दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुप्रेम और आप देख रहे हैं टेक ताजा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे वेबसाइट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक न्यू ब्लॉगर है, आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो ये बहुत ही एक यूजफुल वेबसाइट है आपके लिए। और ये ऑल इन वन वेबसाइट है ब्लॉगिंग के रिलेटेड, जितने भी सारे आप टूल यूज़ करते हो सारे टूल आपको ये वेबसाइट के अंदर मिल जाते हैं। तो कौन सी वेबसाइट है वो मैं अभी दिखाऊंगा आपको लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर ही। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार चैनल पर आए हो, और अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं पहले भी और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना, ताकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप कहीं मिस ना कर दो। तो चलिए आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। शायद आपने ये वेबसाइट मेरे पहले वाले वीडियो में देखी रहेगी, प्लेजरिज्म टूर के जो मैंने वीडियोस बनाए थे उस हर वीडियो में ये साइट थी, और मे बी आपको शायद इसमें पता हो सकती है ऑलरेडी, आप इसमें प्लेजरिज्म चेक कर रहे होंगे। बट प्लेजरिज्म टूल के साथ साथ कई अदर टूल्स वो वेबसाइट पे आपको मिलते हैं, और वो फ्री में मिलते हैं, बिल्कुल फ्री में आप इसको यूज़ कर सकते हो। चाहे वो ग्रामरली हो गया, ग्रामर चेक करने के लिए आप ग्रामरली यूज़ करते होगे तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। जस्ट आपको जाना है साइट पे और गूगल पे जाना है, सर्च करना है स्मॉल SEO टूल करके। जैसे ही आप स्मॉल SEO टूल सर्च करोगे तो लिस्ट में पहला ही नाम आएगा smallseotool.com का। एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ब्लॉगिंग रिलेटेड या कोई भी ऑनलाइन चीज़ करने के रिलेटेड जितने भी सारे टूल्स हैं वो सारे के सारे टूल्स आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलते, एक ही वेबसाइट पे मिलते हैं, और सारे के सारे फ्री में आप यूज़ कर सकते हो। तो मेरे प्लेजरिज्म वाले वीडियो में मैंने ये वेबसाइट को दिखाया था। मैं ऑलमोस्ट हमेशा ये जो साइट है स्मॉल SEO टूल प्लेजरिज्म चेकर के लिए यूज़ करता हूँ, बिकॉज अगर कोई नया ब्लॉगर रहता है तो उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत ये होती है कि कौन से टूल यूज़ करने हैं, कहाँ से लेने हैं, कुछ भी उनको आइडिया नहीं रहता। जब मैं भी एक स्टार्टर था तो मुझे भी ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं थी, तो मुझे भी वीडियो देख देख के ही ये सारी चीज़ें पता चली हैं। तो अभी ये साइट लोड हो रहा है यहाँ पे, तो दोस्तों साइट ओपन हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में जो सबसे पहला है वो है प्लेजरिज्म चेकर, और जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी मेरे वीडियोस में बात की हुई है। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो वेबसाइट पे प्लेजरिज्म चेक करने के लिए, बट जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ प्लेजरिज्म चेक करने का वो तरीका मैंने मेरे वीडियो में बताया है कि मैं कैसे चेक करता हूँ, वो आप ज़रूर चेक करना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टूल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट कंटेंट टूल हो गया, मतलब यहाँ पे आर्टिकल रिलेटेड जो भी आपको टूल चाहिए, प्लेजरिज्म चेकर है, आर्टिकल रीराइटर है, मतलब स्पिन बेसिकली। अगर आप ब्लॉगर पे हो तो आपको वर्डप्रेस के प्लगइन यूज़ नहीं करने मिलते हैं, वर्डप्रेस में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है ऑटो स्पिनर का, तो आप वो देख सकते हो। अगर आप वर्डप्रेस पे हो तो उसको यूज़ कर सकते हो, बट वो पेड टूल है और उसको मैंने काफ़ी सस्ते प्राइस में रखा है, उसका लिंक आपको वो ये वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हो बहुत सारे टूल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इमेज एडिटिंग के लिए। आप लोगो बना सकते हो, यहाँ पे रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हो। अगर रिवर्स इमेज सर्च क्या होता है आपको पता नहीं है तो मैंने एक शटर स्टॉक का वीडियो बनाया, वो भी आप चेक करना कैसे मैं शटर स्टॉक पर रिवर्स इमेज सर्च करके उन इमेजेस को यूज़ करते हैं, वो दिखाया है मैंने आपको उसमें। साथ ही साथ आप कीवर्ड टूल्स पे भी आ सकते हो, कीवर्ड टूल्स में आपको कीवर्ड पोजीशन चेक करने मिलती है, कीवर्ड डेंसिटी चेकर, कीवर्ड सजेशन टूल, से बहुत सारे टूल्स आपको ये वेबसाइट के अंदर मिलते हैं। तो अगर आप न्यू ब्लॉगर है तो आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वेबसाइट को यूज़ करो जब तक आप न्यू हो, आपके पास कोई इनकम स्टार्ट नहीं होती है। बट ऑब्वियस उसके बाद इनकम स्टार्ट होने के बाद आप कोई भी पेड टूल ले सकते हो, तब तक ये फ्री में आपको मिल जाता है, बहुत सारी सर्विसेज आपको देता है, बहुत सारे टूल्स आपको देता है। आप देख सकते हो बैकलिंक चेकर है, और यहाँ पे बैकलिंक बना भी सकते हो, वेबसाइट के लिंक काउंट चेक कर सकते हो। कुछ टूल्स में ये सेम रश की मदद लेता है, बट बहुत सारे उनके इनबिल्ट टूल है। आप नीचे वेबसाइट मैनेजमेंट टूल भी देख सकते हो, तो बहुत सारे चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। तो आप ज़रूर इस वेबसाइट को ट्राई करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना अगर आपको ये वेबसाइट काफ़ी अच्छा लगा है तो। और वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया टेक ताजा तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी दबाना ना भूलना, क्योंकि आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप कहीं मिस ना कर दो।
तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।